फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, अगर हम इसे ब्रेक करके देखें, ग्लाइको इट मींस शुगर, जो कि है हमारी ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज इज अ शुगर। एंड लाइसिस इट मींस ब्रेक डाउन, यानी कि शुगर का या फिर ग्लूकोज का टूटना क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। ठीक है, और ये जो हमारी ग्लाइकोलाइसिस है, ये किसका पार्ट है हमारा, ये हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन के जो स्टेप्स हैं उसका पार्ट है। ठीक है, हमारा जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है उसका फर्स्ट पार्ट क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या होता है हमारा, लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन से क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो कि करता है क्रेब्स साइकिल या फिर हमारा टीसीए। ठीक है, क्रेब्स साइकिल को क्या कहते हैं, टीसीए। और फाइनली हमारा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन के स्टेप्स। ठीक है, जिसमें फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, ग्लाइकोलाइसिस। तो आज हम बात करेंगे पहले स्टेप के बारे में, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। तो बेटा ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस इज द मेटाबॉलिक पाथवे। ग्लाइकोलाइसिस इज द मेटाबॉलिक पाथवे दैट कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू पाइरूविक एसिड, यानी कि हम स्टार्ट करेंगे ग्लूकोज से और फाइनली हमारा क्या बनने वाला है, पाइरूविक एसिड। ठीक है, हम बात करने वाले हैं ग्लूकोज से और बीच में बहुत सारी रिएक्शंस आने वाली है, यानी कि ग्लूकोज को, बेचारे ग्लूकोज को पाइरूविक एसिड में कन्वर्ट होने के लिए कितनी सारी जगह से होके जाना पड़ रहा है। ठीक है, एक बच्चा अगर पैदा होते ही इंजीनियर बन जाए तो कैसा लगेगा, नहीं बन सकता। ठीक है, तो ग्लूकोज भी क्या पाइरूविक एसिड में डायरेक्टली नहीं होगा, कैसे होगा, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। सीधा आप फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे नहीं जा सकते, कैसे जाओगे, स्टेयर्स पे पैर रख के। ठीक है, एक एक स्टेयर पे आप स्टेप करोगे एंड आप ऊपर जा सकते हो। तो वैसे ही यहाँ पे हमारे स्टेप्स हैं। ठीक है, ये ट्रेन के डब्बे हैं जिनसे ग्लूकोज स्टेप करके कहाँ पे जाएगा, पाइरूविक एसिड तक जाएगा। ठीक है, तो हम आज उन ट्रेन के डब्बों के बारे में बात करने वाले हैं। तो बेटा ग्लूकोज जो है वो पाइरूविक एसिड में जब कन्वर्ट होता है तो सीक्वेंस होती है 10 रिएक्शंस की। ठीक है, कितनी रिएक्शंस होती है, 10 रिएक्शंस होती है ग्लूकोज से पाइरूविक एसिड बनने तक, जो कि कौन कैटलाइज करता है, अलग अलग एंजाइम अलग अलग रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, कैटलाइज कर रहे हैं। इट इज अ प्राइमरी स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, ये सेलुलर रेस्पिरेशन का पहला स्टेप है। इट इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग ऑफ शुगर मॉलिक्यूल, जो हमारा शुगर मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। क्यों टूटता है, टू रिलीज एनर्जी, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो टूट जाते हैं और एनर्जी को क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। दैट इज रिक्वायर्ड फॉर सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जो कि हमारे सेलुलर मेटाबॉलिज्म में एनर्जी की जरूरत होती है। वो एनर्जी हमें कहां से मिल रही है, ग्लाइकोलाइसिस से मिल रही है। इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। अब बेटा क्या होगा, जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस होगा वो कहां पे होगा, साइटोसोल ऑफ द साइटोप्लाज्म। ठीक है, और जो हमारा क्रेब्स साइकिल है वो कहां पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, ग्लाइकोलाइसिस तो होगा ही होगा। हमने जब क्रेब्स साइकिल की बात करी थी तो क्रेब्स साइकिल किस में हो रहा था, एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में हो रहा था। ठीक है, और एरोबिक में भी दो टाइप की होती है, जिसमें एरोबिक रेस्पिरेशन में ही क्रेब्स साइकिल होता है, लेकिन जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस है वो सेलुलर रेस्पिरेशन में जरूर होगा, चाहे ऑर्गेनिजम्स एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी ग्लाइकोलाइसिस होता है और एब्सेंस में भी ग्लाइकोलाइसिस होता है। ठीक है, द मेन एम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, जो ग्लाइकोलाइसिस है इसका मेन एम क्या, मेन एम है हमारा टू सिंथेसाइज थाउजेंड्स ऑफ एटीपी, एनर्जी का प्रोडक्शन। एटीपी क्या करता है,
हमें एनर्जी देता है. एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है. ठीक है, एटीपी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होते हैं यूज फॉर सेलुलर मेटाबॉलिज्म. सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए वो कौन दे रहा है, हमें ग्लाइकोलाइसिस दे रहा है, यही इसका मेन एम है. ठीक है, तो बात करते हैं ग्लूकोज से. ठीक है, ग्लूकोज क्या करेगा, ट्रेन के अलग अलग डब्बों पे चढ़ के फाइनली क्या बना देगा, पाइरूवेट बना देगा. ठीक है, कैसे बनाएगा वो देखते हैं. तो हमारे जो ग्लूकोज है ये कैसा है, ये है 6 कार्बन मॉलिक्यूल. ठीक है, हमारा जो ग्लूकोज है इसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन है. ये जो हमारे 6 कार्बन है ये क्या करेंगे, ये हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में. अभी देखो बेटा यहाँ पे जो एनर्जी है वो यूज हो रही है. अभी हमने बात करी थी कि एनर्जी बनेगी, लेकिन हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, तो एटीपी यूज हो रहा है, ये क्या हो गया. तो बेटा ये जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस है ये 2 फेजेस में काम करता है. एक तो होती है हमारी प्रिपरेटरी फेज, ठीक है, और दूसरी होती है हमारी पे ऑफ फेज. यानी कि अगर हमें एक बिजनेस सेटअप करना है तो क्या होगा, सबसे पहले हमें उसमें पैसे लगाने पड़ेंगे. ठीक है, जब तक हम पैसे नहीं लगाएंगे हमारा बिजनेस सेटअप नहीं हो सकता. चाहे हम लोन लेके लगाएं, किसी फ्रेंड से लेके लगाएं, हमारे पास है वो पैसे भी हम लगा सकते हैं, लेकिन हमें पैसे तो लगाने ही पड़ेंगे. ठीक है, बिजनेस सेटअप ऐसे नहीं होगा. तो जब हम पैसे लगाते हैं वो हमारी क्या हो गई, प्रिपरेटरी फेज. ठीक है, और जब हमें पैसे मिलने स्टार्ट होते हैं, यानी कि पैसे हमने लगा दिए लेकिन अब हमारे पास पैसे आने भी स्टार्ट हो गए, तो वो हो गई हमारी पे ऑफ फेज. ठीक है, तो अब ये 2 फेजेस जो है वो समझ में आ गई होंगी आपको. तो पहले वाली फेज में एनर्जी क्या होगी, हमें एनर्जी यूज करनी है, यानी कि एटीपी क्या हो रहा है, वो यूज हो रहा है. और पे ऑफ फेज से हमें क्या मिलेगा, एटीपी मिलेगा, यानी कि एटीपी सिंथेसिस किस में होगा, पे ऑफ फेज में होगा, और एटीपी यूटिलाइज किस में होगा, प्रिपरेटरी फेज में होगा. ठीक है, तो ये 2 फेजेस हो गए हमारी. पहली फेज में हम एटीपी लेंगे, एनर्जी लेंगे. ठीक है, जितनी एनर्जी हम लेंगे उसकी डबल हमें पे ऑफ फेज में मिल जाएगी, यानी कि जितना पैसा हम बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे उसका डबल हमें पे ऑफ फेज में मिल जाएगा. ठीक है, आगे बात करते हैं. तो हमारा जो ग्लूकोज है वो हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में क्या बना रहा है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बना रहा है. ठीक है, जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट है उसमें क्या हो गया, ये जो 6 कार्बन है हमारे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, जो हमारा 6th कार्बन है, जो हमारा 6th कार्बन है उस पे एक फॉस्फेट ग्रुप एड हो गया. कहां से एड हो गया, ये जो हमारा एटीपी है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राई मतलब 3, ट्राइफॉस्फेट से हमारा बन गया डाइफॉस्फेट, यानी कि एक फॉस्फेट कहीं और जाएगा, कहां जाएगा, वो इधर चला जाएगा. ठीक है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनाने में ये हमारा फॉस्फेट इधर ऐड हो गया. ठीक है, एक फॉस्फेट ऐड होने से इसका नाम क्या हो गया, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट. ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से हमारा बनेगा फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, और किसकी प्रेजेंस में, हमने बात करी थी कि ये सारी रिएक्शंस कौन कैटलाइज कर रहा है, एंजाइम्स. एक्सोकाइनेज क्या है, एंजाइम. फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज क्या है, एंजाइम. ठीक है, ये सब हमारे क्या है, एंजाइम्स हैं. तो ये जो हमारे एंजाइम्स हैं, ये देखो एज लग गया, एज इट मींस एंजाइम. तो हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज ने क्या बनाया, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, और ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से हमारा फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बनेगा, किसकी प्रेजेंस में, फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज की प्रेजेंस में. और बेटा ये जो फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज है ये सिर्फ क्या कर रहा है, ये इसकी पोजीशन को फ्लिप कर रहा है, इसका आइसोमर बना रहा है. देखो ग्लूकोज और फॉस्फेट का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, सिर्फ पोजीशंस फ्लिप हो गई हैं. ठीक है, पिक्चर को फ्लिप कर दिया, आइसोमर बन गया. आइसोमर से ग्लूकोज का नाम क्या हो गया, फ्रक्टोज. ठीक है, तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से बन गया फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट. फिर फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट क्या करेगा, एटीपी से एक और फॉस्फेट ग्रुप ले लेगा, ये तो पहले से ही लग गया था. ठीक है, अब नंबर 1 कार्बन भी क्या करेगा, एटीपी से एक फॉस्फेट ग्रुप ले लेगा. एटीपी से क्या बन जाएगा,
एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, और एक फॉस्फेट ग्रुप हमारे पास एक्स्ट्रा बचा, वो चला गया यहाँ पे, ये लग गया कार्बन नंबर वन पे। ठीक है, तो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, बाइफॉस्फेट दो फॉस्फेट ग्रुप एड हो गए, और 1 और 6 यानी कि 1 नंबर पे और 6 नंबर पे फॉस्फेट ग्रुप लग गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, और किसकी प्रेजेंस में, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की प्रेजेंस में। ठीक है बेटा, फिर हमारा एल्डोज की प्रेजेंस में जो हमारा फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि अब ये जो हमारा 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल था वो स्प्लिट हो गया, 3 कार्बन चले गए हमारे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के पास और 3 कार्बन चले गए ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के पास, तो हमारा 3-3 कार्बन के 2 कंपाउंड्स बन गए। ठीक है, यहां तक हमारे 6 कार्बन कंपाउंड थे, ग्लूकोज क्या था C6H12O6, उसके बाद ये भी क्या है 6 कार्बन कंपाउंड, ये भी है 6 कार्बन कंपाउंड, लेकिन अब क्या हुआ, ये बीच में से टूट गया। ठीक है, इसका दिल बेचारे का टूट गया, तो क्या हो गया, 2 कंपाउंड्स बन गए जो कि है 3-3 कार्बन वाले, एक है हमारा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और दूसरा है ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। तो ये देखो, ये फॉस्फेट ग्रुप 6 पे लगा हुआ था, अब ये 3 कार्बन का रह गया, तो ये हो गया 1, 2, 3, तो फॉस्फेट ग्रुप किस पे लग गया, 3rd कार्बन पे, देखो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ठीक है, उसके बाद हम बात करें डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, इसमें एसीटोन ग्रुप है, ठीक है फॉस्फेट ग्रुप है और 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है। फिर बात करते हैं, देखो ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है और ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, ये इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, यानी कि ये इसमें और ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, तो हमारे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन ने क्या बना दिया, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बना दिया, और ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट क्या बनाएगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में, यानी कि हाइड्रोजन क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं, डीहाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन का रिमूव होना, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और कौन एक्सेप्ट कर रहा है, एनएडी एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो रहा है इनटू एनएडीएच प्लस एच पॉजिटिव। ठीक है, तो हमारा ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो गया, 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट, यानी कि बेटा एक और फॉस्फेट ग्रुप एड हो गया, यहाँ पे 3rd कार्बन पे था, अब यहाँ पे 1 पे भी आ गया, तो 1, 2 और 3, तो 1 और 3 पे क्या है हमारा फॉस्फेट ग्रुप है, इसलिए हो गया 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट। किसकी प्रेजेंस में, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज, डीहाइड्रोजनेज मतलब हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव होके कौन एक्सेप्ट कर रहा है, एनएडी एक्सेप्ट कर रहा है और रिड्यूस हो रहा है एनएडीएच प्लस एच पॉजिटिव में। ठीक है, और यहाँ पे हमारे फॉस्फेट ऐड हो रहे हैं, फॉस्फेट ऐड होकर ही इधर यूज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो फॉस्फेट आया वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पे ऐड हुआ है। फिर हम बात करते हैं कि 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट, अभी देखो बेचारा ग्लूकोज कितना परेशान है, एक डब्बे से दूसरे डब्बे पे कूदता जा रहा है, कूदता जा रहा है, कूदता जा रहा है, बेचारे को पाइरूवेट नहीं मिल पा रहा। ठीक है, तो हमारा काम क्या है, हम इसे पाइरूवेट दे देते हैं। ठीक है, तो हम एक एक स्टेप करके इसको पाइरूवेट देंगे, तो कैसे देंगे, बाइफॉस्फोग्लिसरेट अब क्या करेगा, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज की प्रेजेंस में बेटा क्या बना देगा, 3-फॉस्फोग्लिसरेट बना देगा। ठीक है, यानी कि ये जो फॉस्फेट हमने अभी ऐड करा था यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, अब रिमूव हो जाएगा, रिमूव होके क्या होगा, यहाँ पे हमें एटीपी मिल जाएगा, एटीपी कैसे मिलेगा, एडीपी प्लस जो फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हुआ था वो अब क्या बना रहा है, देखो पहले हमने एनर्जी क्या करी थी, यूज करी थी, एटीपी को यूज करा था, अब ये पे ऑफ फेज स्टार्ट हो चुका है, ये हमारे 5 स्टेप्स थे, यहां तक हमारा क्या था, प्रिपरेटरी फेज था, अब हमारा पे ऑफ फेज स्टार्ट हो चुका है, यानी कि हमें एनर्जी मिलनी शुरू हो चुकी है। इसके 2 मॉलिक्यूल्स, अब ये जो रिएक्शन है ये 2 से मल्टीप्लाई कर लो, क्यों, क्योंकि जब डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इसमें कन्वर्ट हो गया था, तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स ने इसके 2 मॉलिक्यूल्स बना दिए थे,
ठीक है, तो दो एनएडी से दो एनएडीएच मिल गए थे, दो एडीपी से हमारे दो एटीपी मिल गए, ठीक है। ये जो हमारा फॉस्फेट ग्रुप यहां से निकला है, इसने हमारा एटीपी बनने में हेल्प कर दी, ठीक है। तो अब हमारे पास एटीपी बनना शुरू हो गया। उसके बाद बेटा बायफॉस्फोग्लिसरेट से जब हमारा थ्री फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा, यानी कि थर्ड कार्बन पे क्या है हमारा फॉस्फेट ग्रुप है, किसकी प्रेजेंस में बना था, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज की प्रेजेंस में। फिर बेटा ये जो थ्री फॉस्फोग्लिसरेट है ये क्या करेगा, सिर्फ अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा, थ्री फॉस्फेट से ये टू फॉस्फो हो जाएगा, ठीक है, थ्री फॉस्फो से ये टू फॉस्फोग्लिसरेट हो जाएगा, यानी कि पहले था थर्ड कार्बन पे, अब हो जाएगा वन टू थ्री, यानी कि सेकेंड कार्बन पे, ठीक है। अब हो गया ये सेकेंड वाले कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप जाके एड हो गया, ये टू फॉस्फोग्लिसरेट बन गया। कैसे बन गया, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज की प्रेजेंस में, म्यूटेशन हो गई उसमें, ठीक है, उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, इसके पास ज्यादा पैसे थे, इसके पास कम पैसे थे, इसे छोड़ के उसे उसके पास चला गया, ठीक है। फिर जो टू हमारा टू फॉस्फोग्लिसरेट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट में कन्वर्ट होने में हमारा जो एंजाइम प्रेजेंट रहेगा, यानी कि किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, इनोलेज, हमारा जीपैट के एग्जाम में ये आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है, कि कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट से पाइरूवेट बनना, फाइनली ग्लूकोज को अपनी मंजिल मिल गई, ठीक है, और पाइरूवेट बन गया, ठीक है। ग्लूकोज ने इतनी मेहनत क्यों करी थी, क्योंकि उसे पाइरूवेट मिल जाए और क्या मिल जाए, एनर्जी मिल जाए, उसने पहले एनर्जी अपनी लगाई थी, ठीक है, और अब उसे एनर्जी मिल रही है। यहाँ पे दो एडीपी के मॉलिक्यूल से दो एडीपी बन रहे हैं, और यहाँ पे भी दो एडीपी के मॉलिक्यूल से दो एडीपी बन रहे हैं। PEP से हमारा पाइरूवेट में कन्वर्ट होने में एंजाइम कौन सा यूज होगा, पाइरूवेट काइनेज, पाइरूवेट काइनेज की प्रेजेंस में हमारा पाइरूवेट बन जाएगा, ठीक है। किससे बनेगा, फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट से हमारा पाइरूवेट फाइनली बन गया। अब देखो बेटा इसमें कितनी रिएक्शंस है, अगर हम ट्रेन के डिब्बो की बात करें, अगर हम इसे ले ले कि ये पहला डिब्बा है, ठीक है, ये है हमारा पहला डिब्बा, तो यहाँ पे हमारे पूरे 11 डिब्बे हो गए, क्यों, रिएक्शंस है 10, तो हमारा एक से लेकर पूरा 11 तक जाएंगे, तो बीच में कितनी रिएक्शंस हो गए, देखो फर्स्ट रिएक्शन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, 10 रिएक्शंस है, कितनी रिएक्शंस है 10, तो कितनी चीजें यूज हो रही है। सबसे पहले हमारा ये क्या है, इससे तो स्टार्ट करा था, ठीक है, प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे, यहां से प्रोडक्ट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे तो 10 प्रोडक्ट्स बनेंगे हमारे, ठीक है, और कितने एंजाइम्स यूज होंगे, 10 एंजाइम यूज होंगे, हेक्सोकाइनेज से लेकर हमारे पाइरूवेट काइनेज तक 10 एंजाइम्स यूज होंगे। अब ये राम कहानी हमने देख तो ली, समझ भी ली, अब इसे याद कैसे रखिएगा, अब इसे याद रखने के लिए हमारे पास है आपके लिए निमोनिक्स, ठीक है, तो ये हमारा पूरा पाथवे है जिसे आप याद रख सकते हैं। अब हमारे पास है आपके लिए एक स्पेशल सरप्राइज, पेप्सी, पीनी है आपको, बहुत गर्मी हो रही है, चलिए पेप्सी हमने तो नहीं, किसी और ने पी ली है, देखते हैं किसने पी है। तो गोरी गर्लफ्रेंड, फ्लर्टी गर्ल डेजी, बिना प्यास के पूरी पेप्सी पी गई। तो हमारे पास एक गोरी गर्लफ्रेंड है, पता नहीं किसकी गर्लफ्रेंड है वैसे, ठीक है, वो बहुत ही फ्लर्टी गर्ल है, उसका नाम है डेजी, वो बिना प्यास के पूरी पेप्सी पी गई, ठीक है। तो ये क्या है हमारा निमोनिक्स, ये है आज का सरप्राइज आपके लिए, ठीक है। तो गोरी स्टैंड्स फॉर ग्लूकोज, यानी कि गोरी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ग्लूकोज, गोरी से हमें क्या याद आ जाएगा, ग्लूकोज। गर्ल, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, फ्रेंड फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, फ्लर्टी फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट, डेजी डायहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट, गर्ल ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, बिना 1,3-बाइफॉस्फो, ये देखो इनिशियल्स बी बी, ठीक है,
1,3 biphosphoglycerate. प्याज के 3 phosphoglycerate. पूरी 2 phosphoglycerate. पेप्सी. अब ये देखो, ये जो हमारा PEP है और ये भी क्या है, PEP phosphoenol pyruvate is PEP. तो पेप्सी पी गई, पायरुवेट. ठीक है, तो अब हमें इजीली याद रह जाएगा कि ग्लूकोज से पायरुवेट बनने में क्या क्या प्रोडक्ट्स बने हमारे. ठीक है, हमारी पूरी रिएक्शन हमें याद आ जाएंगी, लेकिन बीच में जो एंजाइम्स यूज हुए थे उससे कैसे याद रखें. तो ये एक बेचारी लड़की है हीना, जो अल्कोहल पीना नहीं चाहती, लेकिन हीना को पीनी पड़ी अल्कोहल. क्यों पीनी पड़ी? टू गो टू द पजामा पार्टी एंड ईट पिज्जा. ठीक है, उसे पजामा पार्टी में जाना था, पिज्जा खाना था, इसलिए उसे बेचारी को अल्कोहल पीनी पड़ी. तो हीना को हेक्सोकाइनेज पीनी, फॉस्फोहेक्सोकाइनेज आइसोमरेज पड़ी, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज अल्कोहल एल्डोलेज टू ट्रायोज फॉस्फो आइसोमरेज गो टू ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज पजामा फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज पार्टी फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज ईट इनोलेज एंड पिज़्ज़ा पायरुवेट काइनेज. ये है हमारे एंजाइम्स की लिस्ट, जो कि अब आपको निमोनिक से आराम से याद हो जाएगी. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इन निमोनिक से आपको बहुत हेल्प मिलेगी. तो आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट. आई होप कि आप बहुत अच्छा करने वाले हैं जीपैट में. तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.